गाइस, क्या आप लोग अपनी नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहते हैं? और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे अपनी नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे आसानी से रैंक किया जाता है। सो गाइस, आप लोग देख रहे हैं अपनी थॉट्स, मेरा नाम है रवि कुमार और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा कि कैसे नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक किया जाता है और कैसे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज़ें बताते हैं, बट मैं आपको ऐसी प्रो या एडवांस चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपनी नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक कर लेंगे। सो गाइस, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो गाइस, विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इसके बाद वीडियो देखिएगा। सो गाइस, फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको सब ब्लॉगर्स बताते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। तो जो गाइस सबसे पहली चीज़ होती है वो है बैकलिंक्स, देन इसके बाद वेबसाइट स्पीड, देन इसके बाद कंप्रेस्ड इमेजेस, इंटरनल लिंकिंग और SEO। ये गाइस ये जो बेसिक चीज़ें ये आपको सब बताते होंगे कि इनका यूज़ करके आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, बट मैं आपको प्रो या एडवांस चीज़ें चलिए बता देता हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं इन 2020। सो गाइस, डुप्लीकेट ब्लॉग का आप लोगों ने नाम सुना होगा और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो चलिए मैं बता देता हूँ। ब्लॉगिंग के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पे आप लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, जैसे वर्डप्रेस या ब्लॉगर। अब गाइस, आप लोगों को दो या तीन ही पता होंगे, बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप लोग अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली आपका जो मेन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोगों ने अपना ब्लॉगिंग का ब्लॉग बनाया है उसे तो बनाना ही है, देन इसके साथ साथ आपको सब पे अपना जो ब्लॉग है वो बना लेना है और 3 से 4 आर्टिकल आपके वेबसाइट से रिलेटेड लिख देना है और उसमें अपने मेन वेबसाइट का लिंक दे देना है। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। अब गाइस, इससे ये होगा कि आप लोगों के वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी है ना वो बढ़ता जाएगा और जितना बढ़ेगा उतना आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि गाइस ऑल इन ऑल गूगल जो कंसीडर करता है रैंकिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें टॉप पे बैकलिंक्स को रखता है या लिंक्स को रखता है या इंटरनल लिंकिंग को रखता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा लिंकिंग करेंगे अपने वेबसाइट के लिए अदर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, ये पहली चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है गाइज वो है वर्क ऑन लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अब गाइज, लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे वर्क करके आप लोग अपनी नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 18 वीडियो आपको मिलेंगी और पर वीडियो आपको 5 से 6 लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलेंगे जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी नई वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। सो गाइस, इन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए मैंने तैयार करके रखी हुई है जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। सो गाइज, ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करना है। देन इसके बाद गाइज, जो मेन चीज़ होती है आपके पोस्ट पे ट्रैफिक लाने की वो ये होती है कि यूज़र उसको देख के उस पर क्लिक करता है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा कैची या आई कैचिंग अपना टाइटल रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सो चलिए गाइज, मैं आपको दो वेबसाइट्स भी बता देता हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग अपने पोस्ट के लिए आई कैचिंग टाइटल जनरेट कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट है उसका नाम है SEO Pressers, देख सकते हैं। सिंपली आपको अपना यहाँ पे टैग या कीवर्ड डालना है जो उस पर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, देन इसके बाद सेलेक्ट करना है कि वो ब्रांड है या कोई इवेंट है, इंडस्ट्री है, लोकेशन है या सिर्फ एक जेनरिक टर्म है। तो हमारे यही जेनरिक टर्म है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और जेनरेट टाइटल्स के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगे जिसे हम अपने वेबसाइट या पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइटल। और गाइज, जितना ज़्यादा आपका आई कैचिंग टाइटल होगा उतना ज़्यादा यूज़र उस पर क्लिक करेगा, क्योंकि गाइज यूज़र अगर आई कैचिंग टाइटल को देखेगा तो उसको ज़रूर क्लिक करेगा और उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आप लोगों के रैंकिंग के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो गाइज, टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली वेबसाइट तो मैंने आपको बता दी, अब चलिए गाइज मैं आपको सेकेंड वेबसाइट भी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं thehoth.com करके है जिसका यूज़ कर सकते हैं अपना टाइटल जनरेट करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को कुछ फॉर्म दिखेगा उसे फिल करना है, आपके पोस्ट से रिक्वायरमेंट जो डिटेल्स है वो आप लोगों को एंटर कर देनी है, जैसे जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाए सिंपली एंटर कर देनी है, देन इसके बाद जनरेट हेडलाइंस आइडियाज़ के बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एंटर करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ईमेल एंटर कर सकते हैं, कोई भी कंफर्मेशन मेल नहीं आएगा। देन इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को सॉल्व करना है
और सिंपली ओके के बटन पे या कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने गए जब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे आई कैचिंग या इंटरेस्टिंग टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आप लोग अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग इनका यूज़ करते हैं तो यूज़र्स पे ज़रूर क्लिक करेगा, और जितना ज़्यादा यूज़र्स उस पर क्लिक करेंगे आपको ट्रैफिक मिलेगा और आपके वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। सो इसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं। देन इसके बाद गाइस जो सबसे मेन चीज़ है वो है बाउंस रेट। अब गाइस बाउंस रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते ही उसे डिलीट कर देता है या वापस आ जाता है तो इससे आपकी वेबसाइट की जो इंप्रेशन है वो काफ़ी बेकार होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र एंगेजिंग कंटेंट लिख सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, कैची इन्फोग्राफिक्स या इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट लिख सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग ये करते हैं तो बाउंस रेट आपके वेबसाइट का कम होगा, गूगल को भी लगेगा कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट आपकी होगी, जितना यूज़र आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन लेस देन 160 कैरेक्टर्स। अब गाइस मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिख दिया, बट आपको कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन या सर्च डिस्क्रिप्शन जो एक ऑप्शन होता है वो आपको 160 कैरेक्टर से कम का ही लिखना है। अब गाइस इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपका पोस्ट है वो ये सर्च आपको कर देना है गूगल में, और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कीवर्ड्स जो आएंगे नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स, इनको आप लोगों को कॉपी करके उसमें एंटर कर सकते हैं, तो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि 160 कैरेक्टर से कम का ही आपका जो कैरेक्टर या सर्च डिस्क्रिप्शन है वो होना चाहिए। सो गाइस इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है नई वेबसाइट को रैंक करते समय, क्योंकि कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। देन इसके बाद प्रमोट वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट को प्रमोट करते समय, सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई अगर आप लोगों को अपनी नई वेबसाइट को रैंक करना है गूगल के फर्स्ट पेज पे। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू गाइस।